हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है श्रद्धा। आप सब लोग चैनल में स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अपने घर अपने फैमिली। ये देखे मेरे पास एक हो गई है मॉर्निंग, और हम और मेरा बुड्डू अभी मुझे उठ नहीं भी दे रहा है। पता है आपको, मेरी लाइट्स भी ऑफ कर दिया है, बोला मम्मा लाइट्स नहीं ऑन होगी। और आज संडे है ना, तो आप तो जान ही सकते हो संडे को तो थोड़ा देर तक सोते हैं, फिर पूरा दिन काम करते हैं। ये मेरी गुड्डू, ये परानू। ये मैं गुड्डू, ये परानू। सो फ्रेंड्स, हम लोग जाएंगे, आप सब ने हम लोग जाएंगे, आद्या को ब्रश कराएंगे, आद्या को ब्रश कराएंगे और डेली रूटीन में लग जाएंगे, और डेली रूटीन में लग जाएंगे। फिर बाद में बात करेंगे, आज तो सारे दिन का काम बहुत ज्यादा है। मेरे जीने की वजह, मेरे जीने की वजह। बस यही है मेरी मस्ती, मेरी ये बस यही है, ये बस यही है मेरी मस्ती, दिल मुराने वाली, मुराने वाली। किसको मुराने वाली? आ किसको मुराने वाली जी? मुराने दुकाने एरिया। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वापस, और मैं अपनी बेटी के लिए प्याज का पराठा बनाई हूँ। जो प्याज का पराठा वैसे फंसता है तो खाती नहीं है, और मैंने फिर प्याज को पीस लिया ग्राइंडर में, उसको आटे में मैश करके मैं बनाई कि कुछ तो खाए। इसको फिर से फीवर आ गया अभी, मतलब इतना बुरा लगता है यार कि कल इसका एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होता है इसके साथ। साउंड स्लो करो आद्या। कि जब भी मतलब इसका एग्ज़ाम होता है, मैंने ऐसे देखा तो इसके साथ ये चीज़ें, मतलब ये हमेशा बीमार पड़ जाती है, पता नहीं ऐसा क्या है। अब जब तक कुछ अचानक से, सुबह तक ठीक थी, सुबह में जब तक उठे थोड़ी मस्ती वस्ती किए, नीचे गए ब्रश कराया, कुछ भी नहीं की, इसे दूर रखा हुआ, ना इसने दूध पिया है, ना इसने कुछ बिस्किट खाया, कुछ भी नहीं। मैं चलो कुछ पराठा बना दूँ, साउंड स्लो करो, लेकिन वो भी नहीं, मतलब कुछ खाने का नाम नहीं ले रही। इतना हमको टेंशन है, जब कुछ खाएंगे नहीं दवा फ़ायदा नहीं करे। प्याज का नहीं, पनीर का है, बैठो, पनीर का है। मैं गई थी पनीर लेने, बात एक पराठा खा लो फिर तो ओरियन मॉल चलेंगे, पक्का पक्का ओरियन मॉल चलेंगे। नहीं चलना ओरियन मॉल तो ठीक है, फिर डॉक्टर बोले भी हैं कि दवा फ़ायदा नहीं करेगी। आ जा, एक पराठा मैगी चाहिए ना, हम नहीं देंगे मैगी, भी नहीं देंगे आदि, हम नहीं देंगे मैगी। इधर आ, पास में आ जा, आ जा बच्चा, मत परेशान करो यार, खाना पड़ेगा। बैठो, बहुत परेशान है यार, बहुत ज्यादा सेम एकदम सही में, कभी कभी लगता है मैं सर्वर फोड़ लूं और कुछ कर लूं खुद को, इतनी परेशानी, इतना टेंशन होती है कि क्या कहूं। मोबाइल रख, नहीं मिलेगा, हाँ तो बैठो, हाँ बैठ, तभी खाना मिलेगा, देखूँ मैं, तभी मोबाइल मिलेगा जब खाओगे।
खाओगे तो मोबाइल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मैगी ना चिप्स ना चॉकलेट कुछ भी नहीं। हाँ जब खाओगे तब मिलेगा। बैठो भी दवा भी देना है, बैठ जा बाबू प्लीज। आ गया रसम से ना भगवान, इतनी परीक्षा ले रहे हैं, इतनी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान को भी चैन नहीं मिल रहा है। हमको नहीं बोलना, तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे। पता नहीं क्या चाह रहे हैं हमको, पता नहीं क्या मिल रहा है मुझे इतना परेशान करके। आद्या आ जाओ बेटा यार, इधर आ जाओ आद्या। दूध पी के दिखाओ पहले, तब तक पहले दूध पी खत्म करो। प्रॉमिस प्रॉमिस दूंगी, प्रॉमिस दूंगी। दूध के जाएगा आद्या, तेज फीवर आ चुका है बच्चे को मेरे। सही में भगवान मैं क्या किससे कहूँगा, मेरा बाप वो 3 बार डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, बाबू मेरा, बच्चा मेरा, क्यों ऐसा करते हैं भगवान मेरे साथ, क्या बिगाड़ी हूँ मैं उनका। आज सुबह चोट लग गई मुझे हाथ में, मेरा बच्चा रोने लगा। ये लगता है कि भगवान एक मोह में फंसाते हैं, और फिर कहते ये भी कहते हैं कि मोह करो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर कोई भगवान नहीं होता। सही में पता है सर, इतनी कठिन लग रही है ये जर्नी, ये जिंदगी जीवन इतना कठिन लग रहा है, लगता है कि क्या होगा अगले पल, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, इसी में एकदम लगता है एकदम सोच सोच के ना सच में एकदम पागल हो जाएगा, तो सबको दिखा नहीं सकता, और कोई मतलब भी नहीं यार किसी को अपना दुख अपना दर्द अपना इतनी तकलीफ बताने का, क्योंकि यहाँ तो लोग दर्द का भी सौदा कर लेते हैं, दर्द का भी सौदा कर लेते हैं। किसी ने सही कहा था कि अगर कितनी भी तकलीफ हो तो अपने अंदर रखना, किसी से कहना मत, नहीं तो लोग जो आपके आंसू गिरेंगे ना उनका भी हिसाब कर लेंगे, सौदा कर लेंगे। लेकिन अंदर अंदर कितना इंसान घुटे कितना सहे, कब तक इस भरोसे में बैठे रहेगा कि शायद कभी ऊपर वाला देखेगा हमारी तरफ, शायद कभी देखेगा, कब तक। आज संडे है, सोची थी आज सारा काम निपटा लूंगी, सब काम खत्म कर लूंगी, बच्चे को पढ़ा लूंगी, लेकिन ये देखी उनको फीवर आ गया। पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं, एकदम टूट चुकी हूँ यार, एकदम टूट चुकी हूँ।
सच में अगर मैं ऐसी बातें ब्लॉग से नहीं कहती मैं पागल हो गई होती अभी तक। नहीं लोग क्या सोचते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में जितनी फ्रस्ट्रेशन रहती मैं ऐसी बोल के निकाल पाती हूँ, मैं नहीं बोल पाती हूँ। ऐसे रिश्तों के भंवर में फंस गई हूँ ना, काश मैं भी होती बोलने वाली अपनी बातें। बेटा बस थोड़ा सा पिलो फिर दवा पिलाएं, थोड़ा सा पिलो फिर दवा पिलाएं, नहीं पियोगे दवाई दवा बिल्कुल खाओ। हाँ दवा फायदा नहीं करेगी ना मेरे बच्चे को। मेरा बाप मेरा बच्चा आप लोग भी कहते हैं कि मैं रहती ज्वाइंट फैमिली में हूँ और दिखा किसी को कोई दिखता नहीं। हाँ मैं हमेशा अपनी बातें सिर्फ अपने रूम में आके कहती हूँ और किसी के सामने नहीं। ये बस हो गया खैर जल्दी से ठीक हो जाए मेरा प्यारा बाबू। आज दर्द हो रहा है ना अभी दवा पिलाने के बच्चे अभी अपने बच्चे को दवा पिला देंगे और तुम कुछ खाओगे नहीं तो दवा फायदा नहीं करेगा ना। कुछ भी नहीं खाएंगे एक बाइट भी नहीं खाएंगे जैसे पूरे पराठे रखें। बहुत तकलीफ होती है यार बहुत तकलीफ होती है। बना के आओ सबके लिए बनाओ सब खा रहे हैं सब पी रहे हैं अपना बच्चा वहाँ पर खा ही नहीं रहा। इसके पापा रहते थे ना तो खाना बहुत स्पीडी खाती है मतलब खाने में बहुत नाटक थी तो तबीयत ही आज खराब है। वो बैठ के अपनी बेटी को ना एक दो दो घंटे में तो चिल्लाने लगी थी चीखने लगी थी जल्दी खाओ जल्दी करो और वो ले के बैठे रहते थे दो घंटे मगर खाए तो दो घंटे खिलाते थे। लेकिन भगवान ना बाबू बच्चा मेरा नहीं रोते यार रोना नहीं मेरी जिंदगी प्लीज मेरा जान रोया मत करो बाबू इधर आ। मैं दूध पी लो थोड़ा सा बेटा। तुम ही तो ऐसा कर रहे हो एक बार में पी लो तो नहीं कहीं रखेंगे। दुनिया हमको कैसे जज करने लगती है ना हमारे दर्द हमें कैसे मरती है तकलीफ। थोड़ा सा पानी पी लो फिर दो मिनट रुको दवा पिलाती हूँ। मोबाइल नहीं छोड़ तो और फीवर चढ़ जाएगा मोबाइल देखने से ना वायरस पूरी आँख से घुस जाते हैं। वायरस घुस रहे हैं भाई वायरस फैला है मोबाइल में वायरस आ गया है मेरे बहुत बड़ा वायरस आया है वही फीवर कर दिया है तुमको। कल तुम मोबाइल देखी थी ना वो वायरस घुस गया है आँख से तुम्हारे। थोड़ा सा बड़े मेरा बाबू मेरा राजकुमार मेरी जिंदगी क्या क्या लोग ऐसे जजमेंटल हो जाते हैं बहुत जज करते हैं। चलो दवा पी मैं अपनी बेटी को दवा पिला थोड़ी देर बाद एक इतना मानसिक तनाव से इंसान इतना मानसिक तनाव से इंसान गुजरता है इतनी मानसिक तनाव इतनी मानसिक पीड़ा। अरे चलो अदा बोलिए
कुछ सहना पड़ता है इस जीवन में। कैसे कटेगा जीवन यार, आद्या। तो फ्रेंड्स, इनका बुखार उतर चुका है और ये कैसे खा रही है, कुछ खा ही नहीं है। मुझे लगा थोड़ा कि कुछ भी नहीं, फिर बनाना ही खिला दें, और वो भी खिलाने में क्या करेगी, उसको काट काट के फेंक देती है। कोई नहीं, देखिए आप लोग, देखिए बारिश हो रही है यार, देखिए ये देखो बारिश हो रही है यार। इतनी गर्मी थी ना यहाँ पर, गर्मी से हाल बेहाल था, लेकिन फाइनली बारिश हो गई, भगवान को दया आ गई लोगों पर। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही थी, क्या ही बताएं। मम्मी को बसंती आ गई। यहाँ बसंती नहीं आएगी, वो पता है बसंती है किसको? मेरे पापा के घर में जो गाय है उसका नाम बसंती है, बसंती बोलती है। अभी तो कुछ ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका फीवर उतर गया है, आई एम हैप्पी नाउ। कुछ टेंशन नहीं होती है, बार बार बुखार आ जाता है। मैं भी खाना खा के ऊपर आई हूँ। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। अच्छा हेलो, हेलो। बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं, पर लाइट में तो चली गई, बारिश हो रही थी, लाइट चली गई। अब दोनों दोनों चीज का सुख तो नहीं मिलेगा ना। थोड़ा सा खा लो, एक बाइट खा लो, नहीं मेरा बाइट नहीं, एक बाइट और है, अपने पापा का बाइट खा लो। नहीं ऐसे नहीं खाते हैं, पहले खाओ, तो प्यार ही नहीं करती। गणेश तुमसे गुस्सा हो जाएगा। बहुत अच्छी हवा आ रही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बारिश के मजे ले रहे होंगे जो गोरखपुर में होंगे, क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी से। लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कहीं आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं कि अकेली रहती हैं, तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और जॉइंट फैमिली में मेरी सासू माँ है, मेरे जेठ हैं, मेरी जेठानी हैं, और उनके बच्चे हैं, एक जेठ जेठानी बाहर रहते हैं, बस नया मेरी बेटी। इतनी मेरी फैमिली है यहाँ पर, मतलब मायके में फैमिली जब मतलब परिवार ज़्यादा बड़ा है। मेरी दो ननदें भी हैं, तो मुझसे बहुत बड़ी, मतलब मेरे हस्बैंड सबसे छोटे थे, मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य सबसे बड़ा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, बनाना खा लो। मैं तो अभी जा रही हूँ प्लेट में, जा रही बाबा बाय, पढ़ाई करना है, चलो बुक्स निकालो अपनी, तो मैं जाके इनको पढ़ा दूँ, क्योंकि कल इनका एग्ज़ाम है। इसके बाद कभी मौका मिला तो आप लोगों से बातें ज़रूर करूँगी। कल तीज का त्यौहार है, खैर जो भी व्रत रहे उसको भगवान शक्ति दें, उसके साथ रहें, उसको भी इसलिए धोखा ना दें, बस यही मेरी विनती है उनसे। हर किसी के नसीब में ये सुहागिन वाला व्रत नहीं रहता, रहते हैं व्रत लेकिन फिर हो गया, कोई बात नहीं, पर भगवान सबके पर कृपा बना के रखें। किसी के साथ राम राम बाबा। क्यों ना गुच्छा क्यों हो आज तुम, क्यों गुच्छा हो? और मेरा बाबू गुच्छा उच्छा हो गया, अपने मुमड़ों से गुच्छा हो गया, अपने मुमड़ों से गुच्छा हो गया, बहुत गुच्छा आता है मेरे बाबू। मैं किससे प्यार करती हूँ बता दो जरा सबको। नहीं बताना, नहीं बताना, ठीक हो गया। हम भी प्यार तो बाबू से अपने प्यार ही नहीं करते हैं, तो हम चले जा रहे हैं अपने बच्चों के पास, ठीक है। मेरे स्कूल के बच्चे मुझको बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं मैम आई लव यू। मैं क्या करूं बताइए, मैं क्या करूं, मेरा बाबू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, हर वक्त मम्मा से गुस्सा रहता है, हर वक्त गुस्सा रहता है अपने मम्मा से। मम्मा कैसे मनाए अपने बाबू को, अपने सुनौड़ा को, प्यार तो कर लो थोड़ा अपनी मम्मा को, थोड़ा अच्छा कर लो, थोड़ा अच्छा कर लो।
क्यों? आदू आदू मेरे बाल, आदू मेरे बाल। बाबू आ।